पब्लिक न्यूज़ प्रेस रिपोर्टर मालिक रहमान। मेरे प्यारे आपसलम के प्यारे दीवान, इस तरह से मैं पढ़ाऊँ सब मिलकर मोहब्बत के साथ नवाज से पढ़ें। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने यहाँ के लोगों से पूछा था कि इसको आधुनिक क्यों कहते हैं, तो किसी ने मुझे बताया था कि कोई मोड़नी किसी की बुरी थी और किसी बुजुर्ग ने उसको बुलाया था कि आधुनिक, वो मोड़नी किसी आगे थी, इसलिए तब से ये गाँव मेरा आधुनिक हुआ। मुझे यहाँ की लैंग्वेज तो नहीं आती, क्योंकि आप लोगों से जल्दी 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 मिलना भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे की जबानी समझते हैं, उसके लिए सीखना नहीं पड़ता, सिर्फ सुनना काफी होता है। मगर जब आशिकान मुस्तफा एक साथ मिलते हैं कहीं तो इसके रसूल की जबान सबकी समझ में आने लगता, और इसके रसूल की जबान का एक तरीका नाते मुस्तफा से, नाते मुस्तफा वहाँ भी काम करती है, नात वहाँ भी काम करती है जहाँ बात काम नहीं करती। ये कई मतलब इसका एक्सपीरियंस लिया है, और आज भी आपके मुस्कुराते हुए चेहरे उन हसीन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उस वक्त जो बच्चे थे वो अफवाह बन गए होंगे, जो बाप थे वो अब दादा बन गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आ गया हूँ और आपके नाते सुना देगा हमेशा। क्या कह रहे हैं आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे पास हमारे अमीर नाइए कबीर हजरत मौलाना अहमदारी शाकिर साहब के जानवरी से भी उनको बयान सुनना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ज़्यादा नाते आपको सुना सकूँ ताकि हजरत का बयान आप सुन सकें। उसमें फिर कोई बात बने जाएंगे उसको टाले की बात करते करते तो फिर बोलूँगा इन शाला। तो आइए पढ़ते हैं कसीदा बदर से, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
प्रोग्रेसिव कार्ड है वो थोड़ा सा आपके सामने रखूँ, कैसे प्रोग्रेशन किया हमने। आप शायद ये जानते होंगे, ये जो कसीदा हम पढ़ते हैं कसीदतुल गुरना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंगला में बहुत मकबूल है। यहाँ तक कि इसका एक शेर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे अनवर के पास जो सैयदा फातिमा ज़हरा का मकान है, बाबी जिब्रील संतर जाने के वक्त हमको नज़र आता है, उसके दरवाजे पर एक लॉक लगा हुआ है, उस पर ये शेर लिखा हुआ है। और यही वो कसीदा है कि जिसको पढ़ने के बाद काम में सरकार ने अगर इमाम शफीउद्दीन मुसीबी रहमतुल्लाह अला ने को अपना दीदार भी अदा फरमाया, अपनी चादर भी अदा फरमाई, उनके बदन पर अपना हाथ फेरा, उनको खालिफ हो गया था, तकवा हो गया था, पैराडाइज हो गया था, लेकिन जब आग खुली तो पूरा बदन तंदुरुस्त था, चादर सहाने रखी हुई थी। अरबी में चादर को कुर्दा कहते हैं, इसीलिए इस कसीदे का नाम और कसीदा। आज से 30 साल पहले अगर आप किसी से पूछते तो शायद इतने लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। उलमा जानते थे लेकिन अवाम में इसका इतना चलन इंडिया में नहीं था। ये शरफ सुन्नी दावत इस्लामी को मिला कि जब मैं पहली मरतबा मदीना मुनव्वरा गया 1991 में, वहाँ मैंने अरबी महफिलों में शिरकत की, तो अरब जो महफिल करते थे नाच की, आज भी करते हैं, तो उनको मैंने देखा कि जब भी वो नाच की महफिल शुरू करते थे तो इसी पसीदा पूरा शरीर से करते थे। मैंने वहीं से उसको हासिल किया, फिर मैं इंडिया आया और उसको पढ़ना शुरू किया। आज देखें तो बच्चे बच्चे की जबान पर कसीदा होता है, इंडिया में है, बल्कि इंग्लैंड में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, मालावी में भी है, सेंट्रल अफ्रीका में भी है, मॉरिशस में भी है, और यूएई में भी है, और हर जगह है। हमारे लोगों के दरमियान इसका चलन हो गया, इसका रिवाज हो गया। हम इससे बेहतर के जाते हैं पहले भी तहरीर का ये फैज आप ध्यान में रखिए। आज फिर उसी माहौल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कभी कभी होता है जब एक चीज़ आम हो जाती है तो लोगों के जज्बे थोड़े सर पड़ने लगते हैं, लेकिन फिर अभी तो पहले चली रही है, चलती है। आप देखिए किसी भी आग को जब हम चलाते हैं शुरू में बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लौ पे भी तेज होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ता है। अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ियाँ डालनी पड़ती हैं, अगर आप तेल जलाते हैं तो उसमें तेल डालना पड़ता है, कुछ नहीं तो कम से कम उसको हवा देनी पड़ती है जो चलती रहे। इसी तरह से तहरीर के काम का भी मामला है, कभी उसमें नातों की चाशनी डालनी पड़ती है, तो कभी बयानात की अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक खुशबू डालनी पड़ती है, कभी काफिलों की तहरीक देनी पड़ती है, कभी स्कूल कायम करके दुनियावी एजुकेशन का सपोर्ट देना पड़ता है, तो कभी हज ट्रेनिंग कैंप करके बारगाह मुस्तफा में हाजिरी का सलीका देना पड़ता है। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एडिशन होने चाहिए, नए लोगों को साथ लेना, उनको ट्रेन करना, उनको मुबल्लिग बनने की ट्रेनिंग देना, उनका कुरान दुरुस्त करना। आज तहरीर के काम की बरकत है कि जगह जगह मकातिब हैं और बेहतरीन अंदाज में न सिर्फ नाक पढ़ने वाले आपको मिलेंगे बल्कि बेहतरीन अंदाज में कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले कारी भी आपको मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इवेंट के साथ ही बनते हैं, आप इवेंट के साथ ही बनिए, लेकिन प्रोसेस के साथ ही बनिए। इवेंट साल में एक बार होगा, प्रोसेस रोजाना चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्कूल में रहते हैं पढ़ते हैं तो स्कूल में एनुअल फंक्शन साल में कितनी बार होता है? एक बार होता है। रिजल्ट डे जो फाइनल रिजल्ट है एक बार होता है, लेकिन पढ़ाई डेली होती है। इसी तरह ये जलसा आपका है ना, अधोनी का सालाना जलसा, वो तो एक बार आता है, उसके बाद क्या
कल जाके सो जाएंगे, उसका प्लान हमारे पास होना चाहिए। बरकत से आप ये पूछिए कि आगे क्या करना है, डेली एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, वीकली एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, महारा एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, बाई मंथली एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, सिक्स मंथली एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, हर एक का खाका हमारे पास है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है आप साथियों की जिम्मेदारी है अपने खिलाफ। इसलिए सिर्फ इवेंट वाले मत बनाओ, जैसे ईद मनाएंगे, रमजान ईद कितने दिन मनाई जाती है, एक दिन, लेकिन उससे पहले एक महीने का प्रोसेस है रोजों का, उससे गुजरने के बाद वो दिन आता है जिस दिन आप खुशी से अच्छा अच्छा खाते हैं और अच्छा अच्छा पहनते हैं और अल्लाह की तकबीर बयान करते हैं, वो एक महीने के प्रोसेस के बाद होता है। इसी तरह से ये इवेंट अगर इन सारे प्रोसेस से गुजर कर आए तो आप यहाँ 50 बच्चों को खड़ा कर सके जो बेहतरीन कुरान पढ़ते हो, यहाँ 50 लड़कों को खड़ा कर सके जो बेहतरीन नाम पढ़ते हो, यहाँ 25 ऐसे उलमा को खड़ा कर सके जो किसी भी टॉपिक को पढ़ने की सलाह रखता हूँ, फिर आप जैसा भी नहीं उस जलसे में बंदा आएगा, उस जलसे में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे यहाँ भी कुछ काम हो रहा है। ये नहीं कि आप हमेशा मुंबई से बुला रहे हैं, हमारे लिए आपके यहाँ ऐसा नहीं बोलते नहीं है, लेकिन हम आगे क्या देखिए आपके यहाँ पर आप लोग दिखाई देते हैं, तो इसके लिए सर जोड़ के बैठिए और एक टीम बनाइए। काम टीम या फोटो टीम अप्रोच के जरिए होता है और टीम कंबाइन होकर के जब काम करती है तो काम आगे बढ़ता है। मेरी उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप सीरियसली लेंगे और उसको अमली नामा बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर पुरानी याद ताज़ा करते हैं। नहीं मानूं Thank you.
तंगी का लिहाज करते हुए मैं मुख्तसर मुख्तसर बातें आपके सामने रखूँगा। देखिए, ये 10 दिन जिसकी फजीलत अल्लाह ने कुरान पाक को बयान फरमाई, वल फज्र वल लयाली अश्र, ये 10 रातें, उसमें से ये रात अल्लाह ने हज कोटा फरमाई उसके दिन हुई होगी। ये रात हमारे लिए स्पेशल रात है, क्योंकि इन 10 रातों की कसम अल्लाह ने कुरान पाक को याद करवाई और सुबह की कसम अल्लाह ने याद करवाई। वो सुबह कौन सी है, इसके बारे में अलग अलग मुख्तलिफ अकवाल हैं। कुछ उलमा ने फरमाया कि ईद उल अज़हा की सुबह है, इसकी कसम अल्लाह ने कुरान पाक की याद करवाई, और कुछ ये कहते हैं कि हर रोज की सुबह की कसम अल्लाह ने याद करवाई डेली। अब ये जो दिन है, इनमें अल्लाह ताला को नेकियां इतनी पसंद हैं कि और दिनों में नेकियां अल्लाह को उतनी पसंद नहीं है जितनी इन 10 दिनों की नेकियां पसंद हैं। इनसे आप इन 10 दिनों का अंदाजा लगा लो। अब इस इज्तम की बरकत देखो कि अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते तो हम में से कुछ लोग कुछ हो गए होते, कुछ लोग मोबाइल पे लगे हुए होते व्हाट्सएप पे, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते, कुछ लोग पता नहीं कौन से प्रोग्राम देख रहे होते, कोई क्रिकेट का मैच देख रहा होता। लेकिन यहाँ बैठे हैं तो सब मदीने की बातें कर रहे हैं। रातें भी मदीने की, बोलिए आगे, रातें भी मदीने की, मदीने की। तो ऐसी महफिलें होनी चाहिए कि इन रातों की बरकतें हमें याद रहें, ये याद दिलाने वाली रातें। अब रही बात सुबह की, सुबह की कसम, बोलिए किसकी कसम, फिर से बोलो। अब अल्लाह जब कुरान पाक में किसी चीज की कसम याद फरमाता है तो वो चीज उतनी अहमियत वाली होगी, उतनी अजमत वाली होगी, तभी तो अल्लाह ने कसम याद फरमाई, वरना अल्लाह किसी ऐसी छोटी चीज की कसम को भी याद करता है। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि जब अपनी कसम भी याद करनी हुई अल्लाह को, तो डायरेक्ट ये नहीं फरमाया कि मेरी कसम, अल्लाह फरमाता है फला रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम। क्या फरमाया? तुम्हारे रब की कसम। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। ये नहीं फरमाया मेरी कसम, फरमाया तुम्हारे रब की कसम, यानी अपनी कसम भी अल्लाह ने याद फरमाई तो महबूब के हवाले से याद फरमाया। इसीलिए आला हजरत ने पुकारा, वही रब है जिसने तुझको बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। Thank you.
सुबह हमारे लिए रोजी का इंतजाम लेकर के आती है और क्या लाती है सुबह, बस इतना ही और कुछ नहीं करना। आप कुछ बता रहे थे आतिक भाई, क्या बता रहे थे? अंधेरे के लिए नया उजाला लेकर के आती है सुबह, हमारे लिए काम करती है, यानी एक नई उम्मीद लेकर के आती है। इसीलिए इस्लाम में कहीं भी मायूसी नहीं है, इस्लाम में कहीं भी मायूसी नहीं है, और इसीलिए मुसलमानों में डिप्रेशन का मरण नहीं है, वो तो अंग्रेजों में है। अंग्रेज उसको देखो डिप्रेशन के बने हुए हैं, इसलिए कि उनको किसी खुदा पर यकीन ही नहीं कि कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करते तो समझते कोई करने वाला ही नहीं है। हमें यकीन है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए मुसलमान मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा कर सके। अगर मुसीबत आई तो इसको भी अल्लाह की कुछ हिकमत होगी, कुछ और नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ करवा देगा। नुकसान क्या है? एक बादशाह था, बच्चों ध्यान से सुनना, एक बादशाह का एक वजीर था, और वजीर हमेशा यही जुमला बोलता, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। बोलिए आप ही बोलिए पूरा जुमला, बोलिए अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता। और बादशाह कभी कभी वजीर से नाराज होता था कि तू तो हमेशा यही बोलता है हर चीज के लिए, कभी कभी तुझे बुखार भी आ जाता है। तो बादशाह कह वजीर कहता था कि बादशाह सलामत, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला और वजीर हमेशा उसके साथ बड़ा वफादार था, और बादशाह को एक हिरण नजर आया। बादशाह ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, अब घोड़ा भागता जा रहा है, हिरण बहुत तेज भागता है। हिरण ने वो छलांग लगाई कि उसके पीछे जाने में घोड़े का पैर फिसल गया और बादशाह घोड़े से जमीन जाएगा, पीछे पीछे वजीर भी आ रहा। अब गिरने से बचने के लिए बादशाह ने अपना हाथ जमीन पर जब टिकाया तो एक उंगली टूट के गिर गई, एक उंगली हाथ से निकल गई। अब वजीर दौड़ता हुआ पीछे से आया, टुकड़ 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 टुकड़, क्या हुआ हजरत, क्या हुआ हुजूर, क्या हुआ बादशाह सलाम, क्या हुआ? अरे देखो ये मेरी एक उंगली टूट गई और तू निकल गया। फौरन वजीर बोला अल्लाह करता है। अब जो बादशाह को गुस्सा आया, बाकी सिपाही पूछे तो बादशाह का सिपाही और इसको पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो, ये मेरी उंगली टूट गई और ये कहता है कि अल्लाह जो करता है नहीं करता है, कैसे मेरी उंगली टूट गई, मैं ऐसा मजदूर हो गया। उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी तो होती नहीं थी, उंगली को फिर से लगा देते, उंगली दुबई या तो नौ उंगली आ रही है। वजीर कहा गया जेल,
कुछ महीनों के बाद ये जख्म सूख गया तो बादशाह को फिर लगा के फिर शिकार करेंगे। इस वक्त वजीर साथ में सिपाहियों को लेकर, लेकिन मुआइया के बादशाह भटक गया जंगल में और एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां वो वैसे टाइप के लोग रहते हैं जिनकी अपनी हुकूमत होती है जंगल में, जाते ना, और इत्तेफाक से उनका कोई फेस्टिवल था और वो किसी बलि देने के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे और ये मिल गया बादशाह तगड़ा बट एकदम मस्त एकदम ये सोच ढोल बजाते हुए नाचते बजाते हुए और मैं भी बता नहीं सकता वो कैसे लेके गए होंगे, लेकिन अभी इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे लेके गए होंगे। तो गए लेके उसको और जैसे ही अब उसकी बलि देने की बारी आई इतने में उनका जो बड़ा प्रिंस था उसकी नजर बादशाह की उंगली कटी हुई उंगली पे पड़ी तो उसने कहा नहीं 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 ये बलि नहीं चलेगी, ये अधूरा इंसान है, ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। उस वक्त बादशाह को याद आया वजीर ने क्या कहा था, अल्लाह जो करता है सही करता है। फिर सिपाही आया बादशाह जाके आया और कहा वजीर को छोड़ दो। अब वजीर आया तो बादशाह ने कहा तुम्हारी बात तो सही थी, क्या सही थी, अल्लाह जो करता है सही करता है, लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ नहीं आई, तू 6 महीना जेल में पड़ा इसमें क्या अच्छा था। तो वजीर ने कहा हुजूर अगर ये मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता था, तो आपकी तो उंगली कटी थी आप बच गए, मैं कुर्बान हो जाता इसलिए अल्लाह जो करता है Amen.
कभी कुरान ऐसे भी पढ़ा करो ना कि किसी एक लफ्ज़ पर थोड़ा गौर कर लिया करो, उलमा से पूछा करो, संजुल ईमान देख करके पढ़ लिया करो, खजाइनुल इरफान पढ़ लिया करो, कुछ पढ़ो तो सही। बोलो सुबह और क्या लगती है, जल्दी टाइम कम है, उन्हें सुबह हो जाएगी जी। नहीं सीख, कुछ नया एजुकेशन लेके आती है। बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स हैं, कल सुबह होगी अगर स्कूल जा रहे थे कुछ नया सीखेंगे, मकतब जाने वाला बच्चा है कल सुबह होगी तो कुछ नया सीखेगा, आली क्लास में जाने वाला कल सुबह होगी तो कुछ नया सीखेगा। तो नई सीख लेकर के आती है सुबह, माशाल्लाह सुबह की कसरत अल्लाह याद करवा रहा है। देखो सुबह की कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सुबह की कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं, सुबह की कितनी खसूसियात हैं, लेकिन हम तो हैं कि सोते रहते हैं तो सुबह क्या लाएगी हमारे लिए बताइए। सुबह और क्या लेकर आती है, एक ही आदमी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जवाब देने का, बाकी लोगों को सुबह होती ही नहीं क्या? बोलिए आप ना इनको बोलने नहीं। चलिए स्टूडेंट इतने यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं, आप सुबह उठते नहीं हो क्या? आप बोलते नहीं सुबह क्या लेके आती है, जवाब दीजिए जी। ये हुई ना बात, हाँ क्या अजान के जुमला इस्तेमाल किया जाता है, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नमाज नींद से सुवर्ण पैगाम नमाज लेकर आती है। लेकिन कितने काम ऐसे हैं जो ये अस्सलातु खैरुन मिनन नौम सुनते हैं आजकल, अगर ये मैं अगर एक एक से पूछूंगा तो अल्लाह करे कि सारे सुनते हो, मैं बदगुमानी नहीं करता, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत कम ताने मिलेंगे जिनके कानों में ये आवाज जाती है और ये उड़ जाते हैं। आज इस रात में वलयालिल अश्र वाली इस रात में वल फज्र की सुबह की गारंटी दो कि कल सुबह होगी तो किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने सुबह की कसम याद करवाई है। तो क्या हम उसको ऐसे ही याद करेंगे? पूरा वादा करो कि आप फज्र नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से हाथ उठा के वादा करो फज्र नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग हाथ उठाने से डर रहे हैं कि आपकी नमाज बंद नहीं है क्या, आप हाथ नहीं उठाओगे तो कैसे हो जाएगा, आपको परमिशन मिल जाएगी? नहीं हो सकता, बल्कि सबसे पहले सवाल होगा जो फज्र की नमाज नहीं पढ़ता उसकी रोजी से बरकत खत्म कर देगा। आपने फरमाया रोजी लेके आती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी बरकत कहाँ मिलेगी उसको? इसलिए याद रखिए वल फज्र सुबह की कसम। चलिए और नौजवान बोलो सुबह और क्या लेकर आती है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैंने बम्बई में इस तरह से पूछा था, एक एक बच्चा जो बोलता था इट वॉज जस्ट अमेजिंग, और मुझे बस करना पड़ा कि अभी बस कीजिए अभी कितना बोलोगे, लेकिन यहाँ तो आधुनिक आती नहीं है। बोलिए सुबह क्या लेकर आती है, नमाज की बात तो होगी और क्या लेकर आती है जी, बरकत लेकर आती है और क्या लेकर आती है, कम ऑन फास्ट फास्ट जी। नई चीज वो कौन सी, जैसे सोचने की आदत डाली है, दीन की बातों में गौर व फिक्र करना ये भी इबादत है, जैसे सुभान अल्लाह कहना इबादत। हम लोग सोच ही करें, यानी ये थिंकिंग ही नहीं हमारी इस तरह कुछ सोचा जाए, बस वो व्हाट्सएप में ही लगे हुए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो गए सब, वहां से जो पैगाम आ गया उसी में लगे हुए हैं, और अल्लाह का पैगाम कौन पड़ेगा? जवाब दीजिए, छोड़ूंगा नहीं, बोलिए जवाब दीजिए। सुबह क्या लेके आते हैं, नमाज नहीं कुरान लेके जी, नहीं जिंदगी लेके। वाह सुभान, क्या जवाब दिया, किसने जवाब दिया, माशाल्लाह नई जिंदगी लेकर आती है सुबह, और उसके बावजूद उस सुबह की हम कदर नहीं करते। भाई आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे कुर्बान जाओ, जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो मेरे आका ने फरमाया क्या पढ़ के सो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्हम्दुलिल्लाह, कितनों को ये दुआ याद है, लेकिन पढ़ते हैं भूल जाते हैं माशाल्लाह। क्या मतलब है इसका, अब समझोगे भी कुछ या फिर रटे ही रहोगे, बस आगे रट करके आगे मकतब पे जाते थे तो रट के आगे हो गया तो समझ नहीं रहे। अल्लाह तेरे ही नाम से मैं मरता हूं और फिर जीऊंगा तेरे ही नाम से,
तो ये मौत, ये नींद जो है ना, ये टेम्पररी मौत है। तो उसी वक्त मैं उम्मीद लगा रहा हूँ, जब तेरे नाम तेरा नाम लेके अभी मैं सो रहा हूँ, रहने पे आरजी मौत मुझ पे तारी हो जाएगी, लेकिन उठूंगा तेरे ही नाम से, है ना। और जब उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बोलिए उठने की दुआ, सोने की दुआ, तो याद है उठने की सुनाइए, और नहीं तो इज्तिमा में आते रहिए और अपने मुबल्लिग से मिलकर सीखते रहिए, उलमा से सीखिए, यही तो काम है, इतने काम करना है, बाकी है बहुत काम। इतने साल हो गए मैंने याद नहीं कर सके हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। सब पूरिया अल्लाह को जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें दिलाया, किसके बाद, एक मौत के बाद, पहले ही नुशूर उसी की तरफ लोग भी जाना है। तो सुबह जो आती है वे नई जिंदगी लेकर के आती है, सुबह। इसीलिए अल्लाह का क्या अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, वही तो शुक्राना नमाज है, वही शुक्राना तो नमाज है कि अल्लाह तुमने मुझे जिंदगी दी है, मैं मरा नहीं, रात को सोया तो टोटली मरा नहीं हूँ, अभी हूँ, उस पर मेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो सुबह हमारी जिंदगी का एहसास लेकर के आती है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फज्र की कसम याद करवाते हैं, फज्र सुबह की कसम, बोलिए किसकी कसम, बुलंद आवाज से बोलिए, सुबह उम्मीद भी लेकर के आती है कि आज वो हाजी हो गए हैं वहां पर, अल्लाह करे कि मैं भी जल्दी खाने काबा का दीदार करूं, गुम्बदे मदीना का दीदार करूं, और जब मैं वहां पर पहुंचूं तो मेरी जबान से ये निकले, Allah, Allah, Allah.
अल्लाह